हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स हु रिसेंटली सब्सक्राइब माय चैनल तो मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस डेफिनेटली लेके आती रहूंगी अच्छा अच्छा स्किन केयर बताती रहूंगी जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी तो मैं अगेन आपके आगे खड़ी हूँ बिना मेकअप के आई जस्ट अप्लाइड ओनली सनस्क्रीन एंड लिपस्टिक नथिंग मोर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस पे और मेरी स्किन नेचुरली बहुत ही अच्छी हो गई है क्योंकि आई एम यूजिंग माई ओन डी आई वाई रेमिडीज डी आई वाई रेमिडीज और बाहर के प्रोडक्ट्स का मिक्सचर जब हम अपनी स्किन पे यूज करते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत ही गजब की हो जाती है बस हमें उन्हें यूज करना होता है अपने आप को पैम्पर करना होता है और थोड़ा सा टाइम निकालना होता है अपने दिन में तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में क्या चल रहा है हमारी आजकल के रिसेंट इनोवेशन क्या है शीट मास्क आजकल बहुत सारे लोग शीट मास्क को यूज कर रहे हैं बाहर मार्केट में बहुत ही सारे शीट मास्क अवेलेबल हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ अलग अलग फ्रूट्स के एंड ऑल जिससे कि आपके स्किन को बेसिकली क्या मिलती है हाइड्रेशन जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है क्या आपको पता है वो इतने कॉस्टली होते हैं अगर मैं आपको उसका एक सब्सटीट्यूट बता दू तो आप कितने हो जाओगे ना कि आपको इतने महंगे शीट मास्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम घर पर ही DIY शीट मास्क बना सकते हैं अपने लिए बिल्कुल इजीली वो भी आपके पसंदीदा इंग्रेडिएंट के साथ क्योंकि हमें क्या पता उन्होंने उस शीट मास्क में वो चीज मिलाई भी है या नहीं हम तो अपने तरीके से उसे रेडी कर सकते हैं अपने तरीके से अपने पसंदीदा इंग्रीडियंट्स का उसमें यूज कर सकते हैं और अपने लिए एक बहुत ही अल्टीमेट हाइड्रेशन अपनी स्किन को प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी वाई मास्क तो इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ना मैं आपको ये बता दू कि घर पर ही आप अगर शीट मास्क बना सको तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता तो आज की वीडियो डेफिनेटली शीट मास्क के ऊपर ही है जो कि आज हम बनाएंगे फ्रूट शीट मास्क वो भी घर पर ही तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना एंड तक सुनना ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है, कैसे कैसे शीट मास्क को बनाना है, उसे अप्लाई करना है, और मैक्सिमम कैसे उससे एडवांटेज आपको लेनी है सो डोंट स्किप द वीडियो और इसको ध्यान से सुनना ताकि आप अपने लिए इसे जरूर फॉलो कर सको तो अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो फेशियल शीट मास्क के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये फेशियल मास्क होने चाहिए ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं जब आप इसे इंग्रेडिएंट्स में ऐड करते हो तो ये अपने आप खुल के बड़ा हो जाता है जिससे कि हमने अपने फेस पे अप्लाई करना होता है तो दिस इज द कॉम्प्रेस्ड फेशियल शीट मास्क ये आपको अमेजोन से इजीली मिल जाएंगे मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी आप जाके परचेज कर सकते हो तो ये बहुत ही बेस्ट थिंग है जो कि आप अपने लिए स्किन केयर अगर आप करते हो ना तो ये आप अपने लिए बिल्कुल ईजिली तो ले सकते हो और इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपकी स्किन को मिलता है तो अब मैं आपको यह बताती हूं कि हमें इस डीआईवाई शीट मास्क को रेडी कैसे करना है तो आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन का शीट मास्क क्योंकि वाटरमेलन बहुत ही अच्छा होता है समर्स में ये एक अच्छा वाटरी फ्रूट है साथ साथ इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है प्लस ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट भी करता है हमारी स्किन को प्लम्पीनेस मॉइस्चराइजेशन हाइड्रेशन सब कुछ प्रोवाइड करता है एक वाटरमेलन क्योंकि मौसम के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो खाना बहुत ही अच्छा होता है तो अगर उसके साथ साथ आप इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करते हो ना तो उससे आपकी स्किन बहुत ही अल्टीमेट हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको वाटरमेलन को कट कर लेना है उसमें से आपने बीज को निकाल देना है अच्छे से उसके बाद आपको इसे एक मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंड करके जो आपका पेस्ट बनेगा ना उसे आपको छान लेना है क्योंकि हमें वाटरमेलन का चाहिए यहाँ पे जूस तो वाटरमेलन का जूस क्वीज हो गया वो बन गया अब हमें इसमें ऐड करनी है ब्लिसरीन ग्लिसरीन बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है बहुत ही अच्छा आपकी स्किन के लिए आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बना के रखता है वाटर लेवल को बना के रखता है जिससे कि आपकी स्किन प्लम्पी हो जाती है तो ग्लिसरीन इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट जो कि आप अपनी स्किन को प्रोवाइड कर सकते हो और अगर आपने देखा होगा मार्केट के शीट मास्क के पीछे अगर आप पढ़ते हो ना उसके इंग्रेडिएंट्स में तो उसमें ग्लिसरीन जरूर मिला होता है तो इसीलिए हम भी उसे घर पर जरूर एड करेंगे ताकि हमारी स्किन को भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके तो अब जो हमारा वाटरमेलन का जूस बना है हम उसमें लेंगे वन स्पून ऑफ ग्लिसरीन ग्लिसरीन का एक चम्मच उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है हमें अपना ये जो कंप्रेस्ड फेशियल शीट मास्क का एक लेना है इसे ओपन करना है ओपन करके हमें इसे इसी वाटरमेलन में डिप कर देना है जो वाटरमेलन का जूस आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना उसमें आपको इसे डाल देना ये अपने आप खुल जाएगा खुलने के बाद और हाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखना अगर आपको इसका मैक्सिमम एडवांटेज लेना है ना तो मेक श्योर sure कि आप इसे ठंडा कर लो फ्रिज में रख के सेकेंड थिंग मेक श्योर यू हैव टू क्लीन योर फेस हैली क्योंकि जितना अच्छे से हम अपने फेस को क्लीन करके इसे यूज करते हैं ना तो इसका मैक्सिमम एडवांटेज आपके स्किन को मिलता है और पोर्स के थ्रू जब ये सारी हाइड्रेशन आपकी स्किन में जाती है ना तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है और हमेशा आपने डी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है जितना पॉजिटिव आप सोचते हो ना अपने लिए अपनी स्किन के लिए आपकी स्किन उतना ही पॉजिटिव होती रहती है बहुत ही अच्छी होती रहती है

और जो फ्रूट की नेचुरल रिफ्रेशमेंट है ना वो भी आपके स्किन पे आती है और आपकी स्किन बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाती है समर्स में तो वैसे ही हम बहुत परेशान हो जाते हैं हमेशा स्वेटिंग गर्मी इचीनेस तो आप अगर इसको अप्लाई करते हो ना अपने फेस पे तो इचीनेस तो दूर की बात है आपके स्किन पे इतना आराम मिलेगा ना इतनी ठंडक मिलेगी तो अगर आप भी अपने फेस को एक कूल cool सेंसेशन देना चाहते हो ना तो यू मस्ट ट्राई दिस फेस मास्क एक बार आप जरूर इसे ट्राई करना और आप इसको डिफरेंट फ्रूट्स के साथ भी यूज कर सकते हो आप ऑरेंज जूस ले सकते हो आप मेलन के साथ भी ऐसे मेलन का जूस भी स्क्वीज कर सकते हो तो एनीथिंग यू विश टू लाइक आपको अपने लिए इसे करना है तो आप इसे जरूर ट्राई करना एंड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन अबाउट द रिजल्ट की आपको इसे यूज करके क्या बेनिफिट मिला अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय